और ऐसे लहंगे और स्कर्ट को आप किसी और को देना भी नहीं चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में आए आप मेरे पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्निग्धा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लव स्टेज। तो आज का टॉपिक आपने देखा कि कैसे हम लहंगे और लॉन्ग स्कर्ट और जो क्रॉप टॉप होता है उसे रीडिजाइन या फिर कह सकते हैं उसे फिर से रिकन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना एक लहंगा दिखाती हूँ जिसको मैंने उसे रिकन्वर्ट किया, क्योंकि ये पहले लहंगा था जिसे मैं पहन पहन के बहुत बोर हो चुकी थी और मुझे वो बहुत ही पसंद था, तो मुझे किसी को देना भी नहीं था, तो मैंने उसे रीडिजाइन किया। तो कैसे मैंने उसे रीडिजाइन किया, पहन किया और बनाया एक लॉन्ग गाउन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने उसे डिजाइन किया। पहला लॉन्ग ड्रेस, ठीक है, इसे मैंने लहंगे को कन्वर्ट करके एक लॉन्ग ड्रेस बनाया है। इसे मैंने एक साल पहले खरीदा था, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका ब्लाउज पार्ट था, ठीक है। यहाँ से ब्लाउज मैंने प्रिंसेस का स्टिच किया था और यहाँ पे सिंपली पीछे कुछ नहीं था, कुछ डिजाइन नहीं था। इसे मैंने डिजाइन को बनाया है, ठीक है। तो डिजाइन को पहले हम रहने देते हैं, पहले मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने इसे ज्वाइन किया, ठीक है। देखिए, ये इसका लहंगा है नीचे का, ठीक है। इसको मैंने ब्लाउज और लहंगे को दोनों को ज्वाइन करके इसे बनाया है। तो मैं आपको सिंपली एक ड्राइंग की मदद से भी बताती हूँ कि कैसे मैंने इसे ज्वाइन किया, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। देखिए, ये इस तरीके का था। मान लीजिए ये मेरा क्रॉप टॉप है और ये लहंगा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो टॉप है इसका मैं नीचे का पोर्शन की सिलाई को मैंने निकाल लिया, ठीक है। देखिए, ब्लाउज हमेशा फिट होता है और जो हमारा लॉन्ग गाउन होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, ताकि हम उसे अच्छे से पहन सके। इसीलिए मैंने इसे नीचे से थोड़ा सा, यहाँ का नीचे का जो पार्ट होता है यहाँ पे, जिसको हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं या फिर हेम करते हैं, तो उसको मैं क्या कर दी, इसको मैंने सिलाई निकाल लिया, ठीक है। और जो ये साइड के जॉइंट्स की सिलाई है इसको भी मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो लहंगे का जो ऊपर का ये जो पट्टी है, इसको हम बेल्ट भी कहते हैं, इसको मैंने सिंपली रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, एक साथ ज्वाइन कर दिया सिंपली। और मैं कभी भी नीचे की ओर कभी भी मैं कट नहीं करती, मैं मेरे जो लहंगे का एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने फोल्ड करके रख दिया था। तो मैंने क्या किया, जब ये दोनों पार्ट को जोड़ा तो नीचे से मैंने इसे सिंपली निकाल लिया। मैंने अपना पूरा ये लॉन्ग गाउन स्टिच किया है। मैं इसका लास्ट में अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसे पहनने के बाद ये कैसे दिखाई देता है। तो ये तो हो गई इसकी स्टिचिंग की बात, ठीक है। देखिए, इसके अंदर अस्तर भी था तो मुझे अस्तर की और जरूरत नहीं पड़ी। अब बारी आती है इसके बैक डिजाइन की। बैग सिंपली प्लेन था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक शेप बना लिया। देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वी यू आकार का शेप दिया, उल्टा यू, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल जो 5 रुपए मीटर की लेस आती है उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये देखिए, ये पाइप मिलते हैं 5 रुपीज पैकेट या 10 रुपीज पैकेट में, उसको मैंने सिंपली यहाँ पे लगा दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर बनाए हैं वेलवेट के। मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था वेस्ट कपड़े का, उसको मैंने सिंपली कट करके 1-2 रोजेस बनाए हैं और इसे यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे मैंने जो मैंने पाइप जैसा जो मिलता है उसको मैंने यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना दिया। तो देखिए कितना प्यारा डिजाइन दिख रहा है, आप भी ऐसा बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट लहंगे की प्री डिजाइनिंग। तो चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड लहंगा। तो लीजिए, मैं अपना सेकंड क्रॉप टॉप कह सकते हैं या लहंगा भी कह सकते हैं, इसे मैंने क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट स्टिच किया था, ठीक है, बॉक्स प्लेटेड में।
तो मैंने ये क्या किया, इसको मैं पहन पहन के बहुत बोर हो चुकी थी, पहन पहन के मैं बहुत बोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इसे फिर से रीडिजाइन किया। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे रीडिजाइन किया। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे अपने जो ब्लाउज है और अपना क्रॉप टॉप है दोनों को यहाँ से अटैच कर दिया, सेम उसी की तरह बेल्ट को निकाल दिया और उसे अटैच कर दिया। और बात आती है यहाँ पे, देखिए मैंने स्लिट दिया है, साइड से स्लिट दिया है देखिए, और यहाँ पे बटन्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे किया, ये तो सिंपली बॉक्स प्लेट है तो मैंने सारे प्लेटों को निकाल दिया, फिर से इसे रीअरेंज किया, और जो बीच में जो स्टिचिंग पार्ट थी जो मेरे यहाँ कॉर्नर में पड़ रही थी उसे मैंने घुमा के साइड में ला दिया, और यहाँ पे पट्टी लगा दी, बीच से पट्टी लगा दी। देखिए यहाँ पे एक स्टिच स्लिट भी है, यहाँ से स्लिट है। ठीक है, और इसे मैंने शॉर्ट लेंथ रखा है, शॉर्ट टॉप की तरह कुर्ती समझ लीजिए, गाउन समझ लीजिए, है ना। फिर इसको मैंने यहाँ पे सिंपली आप प्लेट डाल दीजिए, और प्लेट डालते हुए चारों तरफ प्लेट डाल दीजिए। देखिए मैंने प्लेट यहाँ पे अरेंज किया है, यहाँ पे मैंने प्लेट अरेंज किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ी गैप से प्लेट को अरेंज किया है, और बाकी मैंने सिंपली 2-2 इंच करके यहाँ पे प्लेट लगाए हैं देखिए, और यहाँ पे स्लिट डाल दिया। और बात आती है क्रॉप टॉप की, मेरा क्रॉप टॉप बिल्कुल ही सिंपल था, तो मैंने क्या किया, सिंपली जो डोली धागा आता है उससे मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे गम से इसे चिपका दिया, फिर सिंपली इसमें मैंने स्टिचिंग कर दी, और बीच बीच में मैंने क्या लगा दिया, टसल और ये मोती, हाफ मोती बटन। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये पैटर्न तैयार किया। ठीक है, आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसे दिखाई दे रहा है पहनने के बाद। आप भी ऐसे ही अपने लॉन्ग गाउन को री डिजाइन करके पहन सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे रीडिजाइन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको नए नए आइडियाज देते रहूंगी कि कैसे आप कपड़ों का दोस्तों मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि कैसे मैंने बचे हुए पैटर्न से, हाँ बचे हुए पैटर्न से एक ब्यूटीफुल सा कुर्ती डिजाइन किया है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, या फिर कह सकते हैं कम पैसे के। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सैटरडे तक आप वेट करिए, क्योंकि तब तक के लिए बाय बाय।